को देते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं अतिथियों के साथ माननीय श्री आशुतोष टंडन, माननीय नगर विकास मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि अपने उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें। मैं माननीय चौधरी लक्ष्मी नारायण, माननीय मंत्री दुग्ध विकास पशुपालन से निवेदन करूंगी कि अपने उद्बोधन से हमें प्रदान करें। मंच पर विराजमान प्रातः स्मरणीय संत चरणों के सत सत नमन, भारत के नौजवानों के भविष्य की आशा की किरण गोरक्ष पीठाधीश्वर परम पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय श्रीकांत शर्मा जी, आदरणीय नगर विकास मंत्री टंडन जी, मंचस्थ सभी सम्मानित नेतागण, उपस्थित सभी भाई और बहनों, मित्रों, आज घर घर में अजन्मा जन्म लेगा। जो व्यक्ति एक महान कार्य करता है वो सदियों याद किया जाता है। पूज्य महाराणा प्रताप, पूज्य भगत सिंह जी, महात्मा गांधी जी सदियों याद किए जाते हैं, लेकिन जो अनेक महान कार्य करता है उसे सदियों में नहीं उन्हें युगों तक याद किया जाता है। सतयुग में महाराजा हरिश्चंद्र, त्रेता में भगवान राम, द्वापर में भगवान कृष्ण, जिन्होंने अनेक महान कार्य किए उन्हें युग युगों तक भक्त और श्रद्धालु लोग उनकी माला जपते हैं। मैं इतना ही कहूंगा, केवल वर्तमान युग में यदि हम देखें तो कौन व्यक्ति ये कह सकता है कि एक नहीं अनेक ऐसे महान कार्य आदरणीय योगी जी ने किए हैं जिन्हें भगवान राम और कृष्ण की तरह युगों युगों तक याद किया जाएगा। भगवान श्री राम का अयोध्या मंदिर जब तक इस पृथ्वी पर अयोध्या रहेगी, जब तक भगवान श्री कृष्ण का भगवान राम का मंदिर रहेगा, तब तक योगी जी के गुणगान इस देश में और समस्त हमारे धार्मिक आदमियों के जवान में आदरणीय योगी जी का नाम रहेगा। ऐसे एक नहीं अनेक महान कार्य, 24 करोड़ जनता जहां कुंभ में आई हो, एक व्यक्ति का एक रुपया का नुकसान नहीं, एक खरोंच नहीं, एक कहीं सड़क पे माचिस की तिल्ली नहीं, पूरी दुनिया ने कहा कि आज तक ऐसा कुंभ और ऐसा महान मेला दुनिया में कहीं नहीं हुआ जैसा प्रयागराज का कुंभ हुआ। ब्रजवासियों के ऊपर तो कृपा की है, वृंदावन में केवल बैठक नहीं जिसे कुंभ बना दिया, और इसके लिए आज एक एक हमारी बहन बेटी जब जिस समय घर से निकलती है केवल एक ही बात कहती है कि आदरणीय योगी जी ने कहा था कि गुंडा विहीन यूपी और गड्ढा विहीन सड़कें, ये योगी जी ने करके दिखाया है। इस ब्रजभूमि में सबसे पहले जैसे ही मुख्यमंत्री की शपथ ली, सबसे पहले हमारे तीर्थ स्थल घोषित किए, ब्रज में हजारों करोड़ रुपए कम से कम विकास के कार्यों में आदरणीय पूजनीय योगी जी ने लगाए हैं। ये ब्रजवासी लाला के जन्मदिन के अवसर पर यही प्रार्थना लाला से करते हैं कि जिस तरह से आपने युग पुरुष के रूप में काम किया है, इसी तरह से भारतवर्ष को आपका एक उज्ज्वल भविष्य का नेतृत्व मिलता रहे
आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ के कलाकार सरगम के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण को नमन करने के लिए तत्पर है परिकल्पना अवधारणा मार्गदर्शन श्रीमती सरिता श्रीवास्तव जी।
की प्रस्तुति के बाद उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के अंतर्गत विकास यात्रा पर आधारित ये वीडियो है। माननीय से निवेदन करूंगी कि कृपया एक दृष्टि डालकर हमें कृतार्थ करें। क्षेत्र के सांस्कृतिक संरक्षण एवं उन्नयन के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में गठित उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की तमाम योजनाओं का क्रियान्वयन समापन की ओर है। प्रस्तुत है धर्मनगरी की विकास यात्रा की एक झलक। मथुरा शहर के समेकित विकास के अंतर्गत लगभग 62 करोड़ की लागत की परियोजनाएं प्रगति पर है। ट्रैफिक की समस्या से जूझ रहे शहर के व्यस्ततम होली गेट बाजार के निकट जुबली पार्क में 350 वाहनों की अंडरग्राउंड पार्किंग निर्मित की गई है। इसी स्थल पर 250 स्ट्रीट वेंडरों के स्टॉल की भी व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त 2000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था के साथ नव निर्मित ओपन एम्फी थिएटर का शीघ्र ही लोकार्पण सम्पन्न होगा। श्री कृष्ण जन्म स्थली के दोनों ओर 3 प्रवेश द्वार बनाते हुए एंटीक स्ट्रीट लाइटों सहित पहुंच मार्गों का सौंदर्यकरण, पार्किंग स्थल उद्यानीकरण का कार्य, परिसर के अंदर केसर वाटिका के समीप स्त्री पुरुष दोनों के लिए जन सुविधाओं का विकास कार्य पूर्ण हो चुका है। मथुरा जंक्शन पर पर्यटक सूचना केंद्र विकसित किया गया है, जिसमें संपूर्ण ब्रज क्षेत्र के पर्यटक पौराणिक स्थलों के विवरण की सूचना 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। श्री कृष्ण जन्म स्थली पर श्री कृष्ण के जीवन चरित्र पर प्रोजेक्शन मैपिंग के माध्यम से लाइट एंड साउंड शो प्रदर्शित किए जाने की परियोजना प्रगति पर है। वृंदावन में कुल 96 करोड़ की लागत के निर्माण विकास कार्य कराए गए हैं। विश्व बैंक की सहायता से श्री बांके बिहारी जी मंदिर की आसपास की 22 गलियों के विकास कार्यों के अंतर्गत अंडरग्राउंड विद्युत केबल, सीवर, टाइल्स, नालियों की कवरिंग और स्ट्रीट लाइट के अतिरिक्त कम्युनिटी स्पेस, कालीदह एवं दारुक पार्किंग को विकसित किया गया है। रमन रेती से केसी घाट तक कच्ची परिक्रमा मार्ग के किनारे कर्व स्टोन और बोलार्ड से नालियों की कवरिंग और स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं। इस पूरे मार्ग पर निगरानी एवं घोषणा हेतु पीए सिस्टम और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वृंदावन में दशकों से मोक्ष धाम, साधु समाधि एवं गौ समाधि को बनाए जाने की मांग को दृष्टिगत रखते हुए केसी घाट के पास आधुनिक मोक्ष धाम स्क्रबर प्रणाली के साथ बनाया गया है। यहाँ गाय के गोबर से निर्मित लकड़ी द्वारा प्रदूषण रहे अंतिम संस्कार की व्यवस्था की गई है। सुनरक गांव के पहुंच मार्ग व बाउंड्री वाल में 10 एकड़ भूमि को साधु गौ समाधि स्थल के रूप में विकसित किया गया है। वृंदावन में यमुना जी के तट पर ब्रह्म ऋषि देवराह बाबा घाट का निर्माण भव्य प्रवेश द्वार सहित पूर्ण किया जा चुका है। इसी क्षेत्र में कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक का आयोजन फरवरी मार्च 2021 में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। पानी गांव में प्रवेश द्वार का निर्माण पूर्ण किया गया एवं क्षेत्र में वृक्षारोपण भी कराया जा रहा है। वृंदावन में विगत 7 वर्षों से बंद पड़े प्रेक्षागृह को 34 करोड़ की लागत से निर्माण का कार्य प्रारंभ करा दिया गया है। इसी परिसर में गीता शोध संस्थान की स्थापना का कार्य पूर्ण हो चुका है। वृंदावन में श्रद्धालुओं को निशुल्क भोजन उपलब्ध कराए जाने हेतु अन्नपूर्णा भवन का निर्माण तेजी से चल रहा है। जमुना नदी के उस पार माठ तहसील में पूर्ण हो चुकी विकास योजनाएं, भांडीर वन स्थित जनसुविधा, दीवारों पर कृष्ण लीलाओं का चित्रण, कबीर कुंड, हीरा ताल का जीर्णोद्धार, 50 एकड़ क्षेत्र में फैले वंशी बट की बाउंड्री बनाकर अवैध कटान से सुरक्षा, गोवर्धन में अनेक परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। कुल 21 किलोमीटर परिक्रमा मार्ग पर गिरिराज पर्वत की ओर फेंसिंग लगाए जाने का कार्य 7.92 करोड़ तथा
कच्ची परिक्रमा में कर्व स्टोन बोलार्डो की स्थापना का कार्य 9.53 करोड़ की लागत से पूर्ण किया जा चुका है। परिक्रमार्थियों श्रद्धालुओं को शुद्ध पेयजल हेतु प्रत्येक 1 किलोमीटर की दूरी पर चिलर के साथ आरओ वाटर उपलब्ध कराए जाने हेतु पाइपलाइन बिछाते हुए TTSP का निर्माण लगभग 7.34 करोड़ की लागत से कराया गया है। परिक्रमा की 24 घंटे साफ सफाई की व्यवस्था स्वयं सेवी संस्था उज्जवल ब्रज के द्वारा की जा रही है। गोवर्धन में सभी सुविधाओं से पूर्ण नव निर्मित बस स्टैंड। गोवर्धन स्थित नारद कुंड का जीर्णोद्धार जन सुविधा। रख रखाव के अभाव में सूखे गिरिराज जी आज हरे भरे। भारत सरकार की प्रासाद योजना के अंतर्गत गोवर्धन में लगभग 40 करोड़ की लागत से 238 कारों की मल्टी लेवल पार्किंग, कुसुम सरोवर एवं मानसी गंगा की फसाद लाइटिंग, मानसी गंगा के समीप जन सुविधा केंद्र, गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में CCTV कैमरा, परिक्रमार्थियों के बैठने हेतु पत्थर की बेंच तथा पारासोली गांव में स्थित महाकवि सूरदास जी की साधना स्थली चंद्र सरोवर पर एक ओपन एम्फी थिएटर के साथ विश्राम स्थल व परिक्रमा मार्ग आदि विकसित की गई है। बरसाना के राधा रानी मंदिर में 1.50 करोड़ की लागत से जलपान गृह का निर्माण कराया गया है। इसका संचालन अक्षय पात्र संस्था द्वारा किया जा रहा है। मंदिर के नीचे गोवर्धन ड्रेन के समीप जन सुविधा का निर्माण 1.50 करोड़ रुपए की लागत से कराया गया है, जिसमें अक्षय पात्र संस्था द्वारा मध्याह्न में निशुल्क भोजन वितरण की व्यवस्था की गई है। नंदगांव में लगभग 11 करोड़ की लागत से विकास कार्य लगभग पूर्ण हो चुके हैं, जिसमें इसके अतिरिक्त तमाम और कार्य पूरे किए जा चुके हैं, जिनमें प्रमुख है नव निर्मित सीढ़ियां, दीवारों पर कृष्ण लीलाओं का चित्रण, आशेश्वर कुंड का जीर्णोद्धार, पार्किंग, टेक कदम के चारों ओर चार दीवारी, जन सुविधा, वृक्षारोपण, नंदगांव स्थित पावन सरोवर का जीर्णोद्धार, वृंदा कुंड का नए कलेवर में सौंदर्यकरण, मथुरा के निकट गोकुल में कुल 11 करोड़ की लागत के कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। पार्किंग, उद्यान की चार दीवारी, जन सुविधा, गोकुल स्थित होली चबूतरा का निर्माण, सुंदर चित्रकारी, गोकुल के निकट रमन रेती महावन मार्ग पर कवि रस्थान और ताज बीबी की उपेक्षित जीर्ण शीर्ण समाधियों को पुनः हरा भरा कर सुंदर स्वरूप प्रदान किया गया है। इस परिसर में फूड कोर्ट, टॉयलेट ब्लॉक, परिक्रमा पथ, इंटरप्रिटेशन सेंटर, जिसमें रस्थान जी के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म को दिखाए जाने की व्यवस्था की गई है। 13 करोड़ की लागत से विकास कार्य महावन और बलदेव में कराए जा रहे हैं। महावन स्थित ब्रह्मांड घाट का सौंदर्यकरण, जन सुविधा, चिंताहरण घाट का जीर्णोद्धार, रावल कुंड का जीर्णोद्धार, उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में सभी प्रस्तावित कार्यों के साथ साथ ब्रज के सभी तीर्थ स्थलों को शीघ्र पुनः प्रतिष्ठित करने हेतु कटिबद्ध है। कृष्णं वंदे जगतगुरु। हम सबके मध्य स्पष्ट नीति, दूरदर्शी सोच से उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भरता की ऊंचाई तक पहुंचाने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनके जीवन का हर पल हर क्षण प्रदेश के विकास को समर्पित है, उनसे अति आदर के साथ निवेदन करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हमें अभिसिंचित कर हमारा मार्ग प्रशस्त करें। मेरे साथ हम सब बोलेंगे वृंदावन दे।
प्रकटीकरण का दिवस भी है और इसलिए आप सब मेरे साथ बोलेंगे, बोले योग माया की, योग माया की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस पवित्र कार्यक्रम में श्री कृष्ण जन्मोत्सव इस पावन आयोजन में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगीगण ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकांत शर्मा जी, पशुपालन और दुग्ध विकास के मंत्री श्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, नगर विकास के मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी, मान्य विधायकगण श्री पूरण प्रकाश जी, कारिंदा सिंह जी, महापौर श्री मुकेश आर्य बंधु जी, उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद श्री सहजा कांत मिश्र जी, व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री रविकांत गर्ग जी, पूर्व सांसद और कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष श्री तेजवीर सिंह जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री किशन सिंह चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्रीमती मधु शर्मा जी, महानगर अध्यक्ष श्री विनोद अग्रवाल जी, चेयरमैन कोऑपरेटिव श्री मेघ श्याम जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पूज्य संतजन श्री महंत बोलटोल जी महाराज, श्री महंत हरिशंकर दास जी महाराज, श्री महंत मनमोहन दास जी महाराज, श्री महंत रामस्वरूप दास जी ब्रह्मचारी जी, जगत गुरु श्री बलराम दास जी महाराज, श्री महंत लाडली शरण दास जी महाराज, श्री महंत सुतीक्षण दास जी महाराज, श्री महंत सुंदर दास जी महाराज, स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज और उपस्थित इस पावन भूमि से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आज का दिन हम सबके लिए बहुत पवित्र दिन है। इस धराधाम पर धर्म की स्थापना के लिए 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं अवतरित होकर के हम सबको कृतार्थ किया था और आज का ये दिन हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है, योग माया की प्रकटीकरण का दिन भी है और इसलिए इस अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और अपनी मंगलमय कामना व्यक्त करने के लिए विशेष रूप से मैं आपके बीच में यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। ब्रज तीर्थ विकास परिषद के इस कार्यक्रम में भाग लेने की मेरी पिछले 3 वर्षों से बहुत बहुत इच्छा थी, लेकिन कोई ना कोई कार्यक्रम, कोई ना कोई ऐसी चीज आ जाती थी जिसके कारण इस कार्यक्रम में मैं सहभागी नहीं हो पाता था। पहले वर्ष 2019 में आगरा तक मैं आ गया था, लेकिन जैसे आगरा में हम लोग लैंड किए तो मुझे बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी नहीं रही, तो हमें दिल्ली वापस दिल्ली जाना पड़ा। विगत वर्ष कोरोना महामारी के कारण पूरा देश पूरी दुनिया अस्त व्यस्त थी, तो स्वाभाविक रूप से हम लोगों को भी इस आयोजन से अपने को दूर रखना पड़ा, एक सामान्य संक्षिप्त कार्यक्रम के साथ जुड़ना पड़ा था। इस वर्ष कोरोना महामारी पूरी तरह नियंत्रण में है, लेकिन सावधानी विकसित है। कोरोना ने पिछले 1.5 साल के दौरान
पूरे देश में, पूरी दुनिया में जो कोहराम मचाया है। आज तो मैं वृंदावन बिहारी लाल से ही प्रार्थना करने आया हूं कि अब जैसे यहां पर आपने अनेक राक्षसों का अंत किया था, इस कोरोना नामक राक्षस को भी अब अंत करने की कृपा करें। क्योंकि सामान्य जनजीवन के साथ साथ अनेक लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उन सब के प्रति हमारी संवेदना है। लेकिन महामारी है, देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस महामारी से लड़ने के लिए बेहतरीन प्रबंधन करने के प्रयास हुए। लेकिन महामारी के दौरान सरकारी संसाधन अक्सर कम पड़ जाते हैं। मैं भी फिरोजाबाद से आ रहा हूं, पिछले एक सप्ताह पूर्व मथुरा में भी मुझे जानकारी मिली थी कि डेंगू से कुछ बच्चों की, जो बच्चे इसकी चपेट में आए थे, उसमें से लगभग 6-7 बच्चे इसकी चपेट में आकर के कालकल्पित हुए हैं। फिरोजाबाद में भी ऐसी स्थिति थी। उन सभी परिवार वालों के प्रति मेरी पूरी संवेदना है। ये दुखद है, लेकिन बीमारी में लापरवाही हमेशा खतरनाक होती है, और इसलिए सावधानी और सतर्कता के साथ अगर हम बचाव के सभी उपाय करें तो महामारी हमारा पान बांका नहीं कर पाएगी। और फिर ये धरती तो भगवान की लीला की धरती है। उस समय दृश्य शत्रु से भी और अदृश्य शत्रु से भी इस धरती पे भगवान ने मुकाबला किया था, हमें राह दिखाई थी। आज अदृश्य शत्रु कोरोना के रूप में आया है, इससे बचने के लिए भी राह प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश दे रहा है, आगे बढ़ रहा है। लेकिन भगवान की अद्वितीय कृपा हम सब पर अवश्य होगी, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। और हम सबको इसी आस्था के साथ कोरोना गाइडलाइन जो बनाई गई उसका पालन करना होगा, अवश्य हम उसका पालन करें। मुझे बहुत प्रसन्नता है, 4 साल पहले जब यहां पर हम लोग विकास की एक रूपरेखा तैयार करने के लिए श्रीकांत जी, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, कारिंदा सिंह जी, पूरण प्रकाश जी, इन सब के साथ आए थे, और तब तय हुआ था ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन होना है। हमारे इन मंत्रियों ने और विधायकों ने दबाव भी बनाया। हेमा मालिनी जी ने भी उस समय इस बात के लिए कहा कि मैं तो यहां पर आई इस बात के लिए हूं, मैं भगवान कृष्ण की भक्त हूं और यहां पर कुछ ऐसा होना चाहिए जो अद्भुत हो जाए। और फिर यहां पर इस परिषद का गठन हुआ। हमारे जनप्रतिनिधिगण निरंतर अपना मार्गदर्शन देते हैं, और श्री सहजाकांत जी के नेतृत्व में ब्रज तीर्थ विकास परिषद यहां पर सचमुच इन पूज्य संतों के सानिध्य में ब्रज क्षेत्र को 5,000 वर्षों से जिस कार्य के लिए तरसती थी हमारी ब्रज भूमि, आज उसको स्वरूप प्रदान करने का प्रयास हो रहा है। इसकी पुरातन परंपरा और काया को बनाए रखते हुए नए कलेवर के साथ ब्रज क्षेत्र को हमें विकास की ओर अग्रसर करना है, और इसी दिशा में यह परिषद निरंतर प्रगति के पथ पर ले जा रहा है। उसका एक छोटा सा लघु चित्रण आपके सामने भी इस प्रस्तुतिकरण के माध्यम से देखा। विकास के लिए कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे ब्रज क्षेत्र के विकास के लिए, जहां भी जितना भी संभव हो पाएगा। हमारे दोनों मंत्री भी, हमारे दोनों विधायक भी, हमारे महापौर भी, हमारे सांसद जी भी, और हमारे यहाँ के सभी जनप्रतिनिधिगण लगातार विकास के लिए प्रयत्नशील हैं। यहाँ का भौतिक विकास भी हो, लेकिन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को भी हम यहाँ की बनाए रखें, क्योंकि वो हमारी पहचान है। मित्रों, देश के प्रधानमंत्री जी ने यही तो देश को एक नई दिशा दी है। आज आप देख रहे हैं एक एक करके सैकड़ों वर्षों से दबी हुई भावनाएं, आस्था के वे केंद्र फिर से अपने नए रूप में सामने आ रहे हैं।
अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रधानमंत्री जी के करपंगों से प्रारंभ हो चुका है। आज आप देख रहे होंगे अयोध्या नई अयोध्या बन गई है। कल हम लोग राष्ट्रपति जी के साथ अयोध्या में थे। राष्ट्रपति जी ने कल रामलला के दर्शन किए अयोध्या में। आजादी के बाद पहले राष्ट्रपति अयोध्या आए हैं जिन्होंने रामलला का दर्शन किया। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने रामलला का दर्शन किया। यानी भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक हमारे इन सभी देव विग्रहों को की पूजा करने और उनके दर्शन करने में भी लोगों को इससे पहले की सरकारों को सांप्रदायिकता का भय होता था, कहीं हमके सांप्रदायिक होने का लेपन न लग जाए। लेकिन अब मोदी जी के नेतृत्व में जो नया भारत है वो अंगड़ाई ले रहा है। जो लोग पहले मंदिर जाने में संकोच करते थे अब ये भी कह रहे हैं कि नहीं, राम तो हमारे भी हैं, कृष्ण हमारे भी हैं। ये है परिवर्तन। आज होड़ लगी है। पहले लोगों में होड़ किस बात की लगती थी? पहले आपके पर्व त्योहार में कोई बधाई देने के लिए न कोई मुख्यमंत्री आता था, न कोई मंत्री आता था, न कोई विधायक आता था। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों को छोड़ दें तो शेष अन्य दलों के लोग दूर भागते थे। हर पर्व और त्योहार में बधाई दी जानी चाहिए अगर वह उसके अनुरूप है। शुभकामनाएं देनी चाहिए, मंगल कामनाएं व्यक्त होनी चाहिए। लेकिन लोग डरते थे, एक तरफा चलता था। हिंदू पर्व और त्योहारों में कोई नहीं आता था, कोई भी सहभागी नहीं बनता था। पर्व और त्योहारों में अलग से बंदिशें लगती थी। पर्व त्योहार नहीं मनाना है, लाइट नहीं रहेगी, बिजली नहीं रहेगी, पानी नहीं रहेगा, साफ सफाई नहीं होगी, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होगी। अलर्ट जारी होता था कि रात 12 बजे के बाद हम ये कार्यक्रम नहीं करेंगे, 10 बजे के बाद आतिशबाजी नहीं करेंगे, दोपहर 12 बजे के बाद रंगोत्सव का कार्यक्रम नहीं करेंगे। अब तो ऐसा कोई बंदिश नहीं है। अब तो हर्षोल्लास के साथ अब करना चाहिए। और हमारे कान्हा तो रात्रि को 12 बजे ही जन्म लेते हैं। यह है परिवर्तन। और भाइयों बहनों, अपनी इस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को रखते हुए, सुरक्षित और संरक्षित करते हुए हमें विकास और तकनीक के नए युग में प्रवेश करने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। और ये ब्रजभूमि भी आज उस दिशा में प्रगति की ओर अग्रसर है। कितना हमारा सौभाग्य है, कितना मुझे अच्छा लगा था। अरे सचमुच ये बिहारी लाल की कृपा है, राधे रानी की कृपा है। हमने वैष्णव कुंभ किया था यहां पर, कितना भव्य हुआ था। इन पूज्य संतों के आशीर्वाद से, इनके सानिध्य में कितना भव्य हुआ था। मैं डर रहा था, मैं जो सचमुच डर था, कोरोना का मुझे था कि भाई पता नहीं क्या हो जाएगा। इन संतों ने कहा नहीं होना है, और श्रीकांत जी ने भी कहा, चौधरी साहब ने भी कहा कि नहीं नहीं नहीं, इसको भव्य करना है। और प्रयागराज कुंभ के बाद एक नया रिकॉर्ड, वृंदावन में वैष्णव कुंभ का भी भव्य आयोजन संपन्न हुआ। और जैसे ही यहां का कार्यक्रम संपन्न हुआ, कोरोना की दूसरी लहर भी आ गई। आपने देखा होगा यहां का कोई कार्यक्रम डिस्टर्ब नहीं हुआ, कहीं कोई व्यवधान नहीं पैदा हुआ। ये सब वृंदावन बिहारी की कृपा नहीं तो क्या है? ये साक्षात कृपा है। हम सब ने इसको महसूस किया है। जब तक वैष्णव कुंभ था कोई कोरोना, और वैष्णव कुंभ का समारोह के बाद जैसे पूज्य संतों ने यहां से दूसरे कार्यक्रम के लिए यहां से प्रस्थान किया, दूसरी लहर की चपेट में पूरा देश और पूरी दुनिया आ गई।
हम अपनी आध्यात्मिक धरोहर को संरक्षित करें और हमें गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। 5000 वर्षों से हम सब इस भूमि के कण कण में अपने वृंदावन बिहारी लाल के दर्शन करते हैं, उनको पाते हैं, उनकी लीलाओं का यहां पर न केवल श्रवण करते हैं, उसका साक्षात दर्शन भी करते हैं। यह सौभाग्य केवल भारतवासियों को प्राप्त होता है, यह सौभाग्य ब्रजवासियों को प्राप्त हुआ है। और ब्रजवासी आप सभी धन्य हैं कि आप सबको इस पवित्र भूमि पर जन्म लेने का, यहाँ पर सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ जो यहाँ पर हमारे पूज्य संतों का, हमारे जनप्रतिनिधियों का भाव है कि हम लोगों ने 2017 में पहले यहाँ पे नगर निगम का गठन करवाया, फिर नगर निगम के गठन के साथ यहाँ के 7 पवित्र स्थलों को तीर्थ स्थल घोषित किया, और तीर्थ स्थल घोषित होने के बाद अब यहाँ पर इन सब की तमन्ना है कि इन सभी क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का मद्य मांस आदि का सेवन न हो, और ये होना चाहिए। मैं प्रशासन से कहूंगा उसकी योजना आलोचना बना करके उन लोगों को व्यवस्थित पुनर्वास करने की व्यवस्था करें, खासतौर पर जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उन लोगों को व्यवस्थित रूप से उनको काउंसलिंग की जानी चाहिए। और अच्छा होगा कि जो इस फील्ड में लगे हैं, अगर वे दुग्ध पालन के उनके लिए छोटे छोटे स्टॉल बना दिए जाएं, वे दूध वहां पर बेचने का कार्य करें, दूध देने का कार्य करेंगे, तो यहां फिर से हम द्वापर युग की उन क्षणों को फिर से स्मरण कर पाएंगे जब ये धरती देश और दुनिया को एक नई दिशा देती थी, और फिर से धरती उस बात के लिए अपने आप को तैयार कर रही है। किसी को जाड़ना नहीं, व्यवस्थित पुनर्वास करना है, और व्यवस्थित पुनर्वास के क्रम में इन पवित्र स्थलों को इस दिशा में आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। ब्रज तीर्थ विकास परिषद यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के, स्थानीय प्रशासन को साथ लेकर के विकास की अच्छी योजना यहाँ के लिए और तैयार करें। अच्छा प्रयास लेकर 4 वर्षों के अंदर हुआ है, और भी अच्छा प्रयास जिससे दुनिया की हमारी 7 पुरियों में एक पवित्र पुरी है ये क्षेत्र, इसलिए उन 7 पवित्र पुरियों की तर्ज पर ही हम इस पुरी की भी विकास की कार्य योजना को आगे बढ़ा करके देश और दुनिया के लिए आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परिवेश के साथ ही भौतिक और तकनीक से भी परिपूर्ण इस पूरे क्षेत्र को कर पाएंगे। इन सभी परियोजनाओं के लिए मैं ब्रज क्षेत्र के आप सभी श्रद्धालुजनों को हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। कृष्णोत्सव का आप सबको मंगलमय कामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करते हुए बिहारी लाल जी से ही प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में मंगलमय हो, उत्सवपूर्ण हो, सदैव आपके जीवन में खुशहाली आए, इस विश्वास के साथ पूरे प्रदेश पर, पूरे देश पर वृंदावन बिहारी लाल की और राधे रानी की कृपा सदैव बनी रहे, इस विश्वास के साथ आप सबको मैं आज के इस अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद माननीय आपके इस ओजस्वी, इन ओजस्वी शब्दों के लिए। इसके बाद मैं श्री शैलजा कांत मिश्र उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद से निवेदन करूंगी कि लड्डू गोपाल जी की सुंदर श्यामल प्रतिमा माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करें आज के इस शुभ अवसर पर। धन्यवाद। आभार।
देवकी परमानंदम कृष्ण मंदिर उपस्थित हमारे आदरणीय हिंदू सम्राट धर्म सम्राट सनातन धर्म के अस्तंभ आदरणीय गोरखपुर पीठाधिपति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी महाराज से प्यार कृषि की भूमि जगत गुरु कृषि की भूमि में इनका वनवासी कुल से स्वागत करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ मथुरा को मथुरा करते हैं मथुरा को विशेषता से अनुभूषित किया गया और मथुरा के हम भगवान से जिसे मांग करता हूँ संत है महात्मा है उनको क्या चाहिए थक्का